आप सब, यूएस ओपन 2023 का रिजल्ट आ चुका है और हम लोग देखते हैं किसने जीता और क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो काफी छोटा है इसलिए वीडियो लाइक कर दीजिए अभी, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी पीडीएफ हमको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन। यहाँ पे हु हैज वन द टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2023, तो नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं, इन्होंने जीत लिया है यूएस ओपन 2023। टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है यूएस ओपन, जिसे फ्रेंच जो है वो मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट उसको, तो अलग अलग कोर्ट है, इसके बारे में एक दिन डिटेल हम लोग देखेंगे। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, फ्रेंच ओपन में भी नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है, एंड आप अगर देखोगे यूएस ओपन में ये भी इन्होंने जीत लिया। ये कहाँ के हैं? सर्बिया के। इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब, मतलब ये सिंगल है, हु हैज वन द मेंस सिंगल टाइटल इन टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो ये जो है नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन पुरुष का एकल खिताब कार्लोस अल्कराज, मतलब क्या है, विंबलडन यूएस और फ्रेंच में, आप देख लो यहाँ पे यूएस का किसने जीता? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच जीता नोवाक जोकोविच, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नोवाक जोकोविच। तो टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन जो है उसने कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत हुई थी 1905 में। तो सबसे पहले कौन सा ये ओपन होता है, यूएस, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन, इनमें सबसे पहले कौन होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम आपको रीसेंट करंट अफेयर्स के अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।